हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी लोगों के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नोटिस आया है रिगार्डिंग दी डेट्स ऑफ द रिजल्ट्स ठीक है आपको पता है जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट आने वाला था पेपर टू तो का वो नौ चार को आने वाला था नौ अप्रैल को आने वाला था मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट में डिले देखने को मिला है और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपका एस एस सी सीरियल टीयर थ्री और एस एस का रिजल्ट भी डिले होगा टाइम पर रिजल्ट नहीं, नहीं आएगा यहाँ पर भी वही चीज़ दे रखी है नोटिस में कि इनकी जो डेट्स थी वो इसतीस तारीख को आने वाला था एम का टीयर टू का पेपर आपका जो टी एयर टू का रिजल्ट है वो आपका तीस अप्रैल को आना था एस एस सी सी जल्द टू का रिजल्ट आठ मई को आने वाला था लेकिन ड्यू टू कोविड नाइन्टीन की वजह से अब क्या होगा रिजल्ट डिले होगा जो नई डेट्स होंगी वो जल्दी ही एस की वेबसाइट पर डाली जाएंगी बेसिकली वो तीन मई के बाद ही कभी ना कभी डाली जाएंगी उससे पहले तो चांसेस कम ही हैं तो देखते हैं कि कब रिजल्ट आता है लेकिन रिजल्ट डिले होना भी था और इसके पीछे एक रीजन ये भी है एस ने कहा था कि यू को लेकर कमेटी बनाई जाएगी सी का देखा जाएगा कि यू के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या किया जाए तो अगर हम बात करें यहाँ पे एस एस सी सी एच एस एल टीय थ्री और सॉरी एस एस सी सी एच एस एल टीय टू और एस एस सी एम टी एस टीयर टू और एस एस सी सी जी एल टीय थ्री तीनों के तीनों पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो यू एफ एम अगर सी एच एस एल का हटाया जाता है तो बेसिक सी बात है कि आपके सी जी एल में और एम टी एस में भी यू एफ एम नहीं किया जाएगा तो कमेटी की रिपोर्ट के आने तक तो मुझे नहीं लगता कि इन एग्जाम्स का रिजल्ट वो देंगे जल्दी से ठीक है क्योंकि हो सकता है क्योंकि अगर देखो सीधी सी चीज़ है यहाँ पे कि अगर सी एच एस एल में यू एफ एम हुआ है तो एम टी एस और सी में भी होगा अगर सी में से यू हट जाता है तो आपका सी में भी नहीं होगा एम में भी नहीं होगा क्योंकि तीनों एग्जाम्स पैदल हैं ऐसा तो नहीं कर सकते वो कि सी में यू कर दें और सी में यू ना करें तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि जो डिटेल्स थी वो सारी की सारी लगभग सेम सी थी थोड़ा बहुत चेंजेस थे लेकिन और जो आंसर शीट दी गई थी तीनों एग्जाम्स में सेम ही दी गई थी ठीक है फ्रंट पेज पर सेम ही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी तो ये है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती कमेटी फैसला नहीं लेती इस चीज़ पर कि सी का क्या होगा ठीक है सी में एस यू वाले कैंडिडेट्स को छोड़ दिया जाएगा या फिर उन्हें दोबारा उसका रिवाइज रिजल्ट आता है नहीं आता जो भी चीज़ें आएंगी उसके बारे में निकल के तब तक वो फैसला नहीं आता तब तक मुश्किल ही है कि एम और सी जी एल टी का रिजल्ट देखने को मिले तो यहाँ पे ये सही करा कराएसएससी ने कम से कम यहाँ पे एक नोटिस डालते कम से कम लोग इंतजार तो नहीं करेंगे कि इस तारीख को रिजल्ट आने वाला है और ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड भी थी तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमें करना होगा तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर पढ़ते रहो जय हिंद